तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे आ गए सब लोग, आ जाओ, आओ सब लोग, आओ यहाँ, आ जाओ यहाँ, आ जाओ। चाचा जी, हम सब पार्टी के कपड़े पहनकर आ गए हैं, तो आप पार्टी शार्टी शुरू करें। पार्टी शार्टी? मेरा मतलब है कि डांस पार्टी शुरू करें। हाँ हाँ हाँ, डांस पार्टी, डांस पार्टी। अरे नहीं नहीं भाई, रुको जरा, रुको सब लोग, एक और चीज अभी बाकी है। अरे मतलब चाचा जी, आप एक और गेम खिला रहे हैं? तो फिर खिलाइए खिलाइए, मजा आ रहा है। अरे नहीं भाई नहीं, अब कोई गेम नहीं खेलना है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। गोकुलधाम वासियों, इस 2020 ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। कोरोना वायरस की वजह से 100 दिन से भी ज्यादा दिनों तक तो लॉकडाउन था। ऑफिस बंद, दुकानें बंद, कारखाने बंद, बेचारे मजदूर तो पैदल ही निकल पड़े थे अपने अपने गांव के लिए। रोज कमाने वालों की तो आमदनी बंद ही हो गई थी। ये 2020 है ना, किसी शिक्षक से कम नहीं था, बहुत कुछ सिखाया हमें। ऐसे ऐसे पाठ पढ़ाए जो कोई स्कूल या कॉलेज में हमें नहीं सिखाता। इस 2020 के लॉकडाउन में हम सब ने कुछ ना कुछ तो जरूर सीखा। तो आइए सब लोग बारी बारी स्टेज पर आइए और दो दो लाइन में बताइए कि हमने क्या क्या सीखा। ओके। अरे क्या सीखा दादाजी? कुछ नहीं सीखा, ये लॉकडाउन ने तो दिमाग खराब करके रख दिया, घर में कैद करके रख दिया। ना कॉलेज जा सकते हैं, ना दोस्तों से मिल सकते हैं। अरे ऐसे लॉकडाउन का क्या फायदा? मेरे लाइफ में पहली बार मुझे टाइम निकालने के लिए डिफिकल्टी हो रही थी। लाइफ में मैं इतना परेशान कभी नहीं हुआ हूँ। इसमें सीखने जैसा क्या था? गोगी पुत्र, तू की कह रहे है? रोशन। अरे गोगी बेटा, ऐसा नहीं है। जीवन में बुरा वक्त तो सबसे बड़ा शिक्षक होता है, जो बहुत कुछ सिखाता है और साथ ही साथ हमें और मजबूत भी बनाता है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना गोगी बेटा, सुरंग के अंदर चाहे जितना भी अंधकार क्यों ना हो, लेकिन सुरंग के दूसरे छोर पर रोशनी जरूर होती है। हमें सिर्फ हिम्मत बटोर के उस रोशनी की तरफ कदम बढ़ाते रहना है। देखना, एक ना एक दिन हम उस सुरंग से बाहर जरूर निकल जाएंगे। मेरा तो ये मानना है कि कुछ हद तक हम उस सुरंग से बाहर निकल भी चुके हैं। क्यों, क्या कहते हो सब लोग? आप एकदम सही कह रहे हैं। सॉरी दादाजी। नहीं नहीं कोई बात, मारो डायोडिक रहो। चलो अभी सब लोग एक एक करके ऊपर आओ और बताओ कि 2020 में हमने क्या सीखा। आजा जेठिया, तू 2020 में जल्दी उठना तो नहीं सीखा, लेकिन तू क्या सीखा वो आके बता। दो हजार बीस के लॉकडाउन में अगर मैंने कुछ सीखा है तो यही सीखा है कि जान है तो जहान है नहीं, काम है तो जहान है। और परिस्थिति चाहे कैसी भी आ जाए, इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बाबू जी, साइंस ने टेक्नोलॉजी को जन्म दिया और टेक्नोलॉजी ने हमको एडवांस बनाया, इंसान को स्पेस तक पहुंचाया। टेक्नोलॉजी हमारे लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। साइंस में पावर है, लेकिन 2020 में मैंने यही सीखा है कि नेचर के सामने साइंस कुछ नहीं कर सकता है। थैंक यू। मैंने ये सीखा कि परिवार के साथ गुजारा हुआ वक्त सबसे अच्छा वक्त होता है। और 2020 में मैंने अपने परिवार के साथ जितना वक्त गुजारा है ना, इससे पहले आज तक कभी इतना वक्त नहीं गुजारा था। I love you my सोनियो। I love you too. I love you my गोगी पुत्र। I love you all. I love you पापा। मैंने सीखा कि फिजूल खर्च करने के बदले हमें बचत करनी चाहिए, जो ऐसे बुरे वक्त में हमारी काम आ सकती है। मैंने ये सीखा है कि लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है। चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग इन लाइफ। इसलिए हमें खुशी के घड़ी में ना ज्यादा खुश होना चाहिए और ना ही दुख के घड़ी में ज्यादा दुखी। इस लॉकडाउन में मैंने ये सीखा कि हमारे सेठ जी दुनिया के बेस्ट सेठ जी है, एकदम दिलदार।
इन्होंने लॉकडाउन में भी मेरी और नटू काका की पगार चालू रखी। थैंक यू सेठ जी। बापू जी के संस्कार है सर। मैंने ये सीखा कि हम लोग कितना भी कुछ कर ले, कितनी कोशिश कर ले, लेकिन अगर उसकी मर्जी ना हो ना तो कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल सही आई। सही बात है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं हमेशा काढ़ा, हेल्दी फूड की कितनी बातें करती हूँ, तारक के पीछे हमेशा पड़ी रहती हूँ, पर इस बार मेरे साथ साथ पूरी दुनिया ने ये जान लिया है कि रोग तो आएंगे जाएंगे, लेकिन अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो हम किसी भी रोग को यूं मात दे सकते हैं। इसीलिए मैंने फिर से एक बार ये सीखा है कि जीवन में खान पान का अनुशासन बहुत जरूरी है। नहीं, एक बात तो है भाई, ये काढ़ा और हेल्दी फूड, इसका स्वाद भले ही कड़वा हो लेकिन फायदा तो बहुत होता है। थैंक यू तारक, फाइनली मेरे साथ अग्री करने के लिए। 2020 में बहुत सारी परेशानियां आई और हम सब बहुत परेशान भी रहे, लेकिन ईश्वर ने हमें हर परेशानी से लड़ने की ताकत दी। इसलिए मैंने ये सीखा कि हमें हर परिस्थिति में ईश्वर में आस्था रखनी चाहिए। शाबाश। 2020 में मैंने ये सीखा कि घर का खाना ही बेस्ट होता है। हाँ, मतलब बीच में पिज्जा का भूत सवार हो गया था मुझ पर, लेकिन फिर भी मुझे पता है घर का खाना ही सबसे बेस्ट होता है और सबसे हेल्दी भी। ये सीख लो बेटा, दूसरों के घर में जाके नहीं खाना चाहिए। Well, मैंने ये सीखा कि फ्रीडम यानी कि आजादी, जिसे हम बहुत लाइटली लेते हैं, एक्चुअली वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सही कहा टप्पू, आजादी के बिना तो जैसे हमारा विकास ही रुक गया है। मैंने ये सीखा है कि हमें रोज सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करनी चाहिए, फिट रहेंगे तो हिट रहेंगे। दोस्तों, वैसे तो 2020 ने बहुत कुछ सिखाया, लेकिन सबसे बड़ी चीज मैंने ये सीखी कि ख्वाहिशों का कोई अंत नहीं है और जरूरतें बहुत सीमित हैं। सारी जिंदगी हम महत्वाकांक्षाओं के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन अब पता चला कि जरूरतें कितनी सीमित हैं। ख्वाहिश होती है कि हम तीसरे चौथे दिन रेस्टोरेंट चले जाएं, बाहर कुछ खाएं। अब पता चला कि घर के खाने से बेहतर कुछ नहीं, दोस्तों से मिलें। लेकिन अब पता चला कि सिर्फ आमने सामने मिलना ही जरूरी नहीं है, अगर हम उनसे बात कर लें तो भी मन को चैन मिलता है। बाहर घूमने से, दौड़ने से, भागने से, धन से, समृद्धि से, कमाने से सुकून नहीं मिलता, सुकून घर के भीतर मिलता है। यही सीखा मैं। मैंने सीखा कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए और खुद का काम खुद करना चाहिए। सही बात है। मैंने 2020 में ये सीखा कि जरूरतमंदों की हमेशा मदद करनी चाहिए। इस साल स्कूल्स, कॉलेजेस, क्लासेस सब बंद थे, बंद है, फिर भी बच्चों की शिक्षा नहीं रुकी। टेक्नोलॉजी के माध्यम से बच्चों की शिक्षा शुरू रही। इस लॉकडाउन में मैंने ये सीखा कि परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, बच्चों की शिक्षा रुकनी नहीं चाहिए। वाह, पढ़ाई जारी रहे। मैंने ये सीखा है कि बदलते वक्त के साथ अपने काम धंधे में भी बदलाव लाना चाहिए, इसलिए अब मैं ऑनलाइन डिलीवरी भी शुरू करने जा रहा हूँ। अरे वाह, कितना कुछ सिखाया। नहीं, 2020 ने हम सबको। दादाजी, मैं भी कुछ सीखा हूँ। क्या? बता बता, क्या सीखा? मैंने सीखा है कि हमें साफ सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए, जितनी बार हो सके उतनी बार दिन में हाथ धोना चाहिए। तूने आज मेरा नाम रोशन कर दिया। मेरा नाम तो रोशन ही है ना। कितना कुछ सिखाया। नहीं, 2020 ने हम सबको। मुझे लगता है इस लॉकडाउन में अगर सबसे जरूरी चीज हमने कोई सीखी हो तो वो है पर्यावरण का ख्याल रखना। ये धरती हम सब इंसानों के अलावा बाकी सब जीव जंतुओं के भी है, हमें उन सब का भी ख्याल रखना चाहिए, है ना? चाचा जी, मैं की कह रहा सी, 11:30 बज रहे हैं तो थोड़ा टोल छोल बजाते, भांगड़ा शंगड़ा पाते। नहीं नहीं, अब हम सब लोग भजन करेंगे। वाह दादाजी वाह, आपने मेरे पेट की बात छीन ली। चलो चलो, मैं रेडी हूँ, सब भोजन करते हैं। अरे गोली बेटा, भोजन नहीं भजन।
अब हम सब लोग भजन करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आने वाला साल हम सब के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। लेकिन चाचा जी, ये न्यू ईयर का पार्टी में भजन? हाँ, क्यों, तुझे प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, वो मैं ऐसे ही पूछ रहा था। मुझे एक बात बताओ, तुम सब लोग जब हम घर के लिए कोई नई चीज लाते हैं, समझ लो कि नई गाड़ी लेते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? ओ जी, गड्डी में पेट्रोल भर देते हैं, टाकी फुल कर देते हैं। हाँ बराबर है सुनी, लेकिन वो तो बाद में, सबसे पहले हम उस नई चीज की पूजा करते हैं। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो नई चीज हमारे लिए लाभदायी साबित हो। लेकिन जब नए साल के स्वागत की बात आती है, तब हम ये चीज भूल क्यों जाते हैं? 2021 भी तो नया साल है ना, तो हमें उसका स्वागत भी पूजा पाठ से करना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आने वाला साल हम सबके लिए मंगलकारी हो। 2020 में जो भी बुरी चीजें हुई हो, वो 2021 में ना हो। हाँ, इस नजरिए से तो हमने कभी सोचा ही नहीं है। नजरिया अलग से है, लेकिन बात एकदम बरोबर है। इस बार कमाल हो गया, चाचा जी ने जैसा कहा था उससे कहीं बढ़कर करके दिखाया। सचमुच इस साल की नए साल की पार्टी कमाल की। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल, और आगे से ऐसा ही होगा, पहले होगी पूजा फिर काम दूजा। तो आइए हम सब मिलके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आने वाला साल हम सबके लिए ढेर सारी खुशियाँ, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आए। अरे चाचा जी के लिए जोरदार तालियां। हे भगवान, हमारी प्रार्थना स्वीकार करो। साल 2021 हम सबके जीवन में एक नई सुबह लेकर आए। 2020 में हमने जो कुछ भी झेला है, वो आगे हमारी जिंदगी में फिर कभी ना आए। बिल्कुल सही कहा चाचा जी आपने, यही कह सकते हैं कि यत्र तत्र सर्वत्र शांति और खुशहाली हो, और जो कुछ हमने खोया है वो हम दोबारा पा सकें, और जिंदगी की गाड़ी फिर से पटरी पे लौटा है, बस यही प्रार्थना है ईश्वर से। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोल बोल। नहीं बोलते नहीं, मैं गा के सुनाऊंगा। ओहो जेठालाल, और एक भजन गाने वाले हो? प्रार्थना हमारी सुन ले भगवन, शांति खुशी से बीते जीवन, बीते जीवन। Welcome 2021. Dun 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 dun.
भाई वाह, हम गोकुलधाम निवासियों की साल की आखिरी शाम यानी 2020 की आखिरी शाम तो मजेदार जबरदस्त गुजरी भाई, कमाल कर दिया चाचा जी ने। क्या अलग हटके इस बार उन्होंने ये आयोजन किया कि हम सभी को आनंद आ गया, अद्भुत थी ये शाम। चाचा जी को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब यही प्रार्थना ईश्वर से कि 2020 की ये शाम तो गुजर गई लेकिन 2021 जो आ रहा है वो हमारे लिए सुख शांति समृद्धि लेकर आए, कोरोना वायरस को हम कर दे बाय बाय, ताकि इस कोरोना के आतंक से हम मुक्ति पाएं। आप सभी के जीवन में सुख रहे, समृद्धि रहे, यही प्रार्थना है ईश्वर से। और तारक मेहता का उल्टा चश्मा आप सभी को यूं ही हंसाता रहे, हम सब मिलके यूं ही हंसते रहे, बस यही प्रार्थना है। और हम लोग मिलके नई कहानी, नए हंगामे, नए ठहाके लेके आते रहेंगे। बस आप देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.